अभी हम बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में और भगवानपुर प्रखंड से सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए लखनपुर पंचायत है और लखनपुर पंचायत का ये देखिए किस तरह से पुल माज 2 महीना पहले जो है पुल निर्माण हुआ है और देखिए 2 महीना के बाद देखिए किस तरह से देखिए दिखाते हैं आपको भ्रष्टाचार देखिए यहाँ पर कितना हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए मात्र 2 महीना हुआ है और 2 महीना में पुल का उद्घाटन भी अभी नहीं हुआ है और देखिए भ्रष्टाचार जो है कितना दबा के भ्रष्टाचार हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये लखनपुर पंचायत है और भगवानपुर प्रखंड का ये लखनपुर पंचायत है। देखिए 2 महीना पहले जो है ये देखिए पुल का निर्माण करवाया गया था और 2 महीना के बाद देखिए क्या स्थिति है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए भगवानपुर प्रखंड का लखनपुर पंचायत का देखिए क्या स्थिति है। देखिए इसमें कितना देखिए दबा कर जो है भ्रष्टाचार किया गया है उसका सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। अगर इसमें अगर कोई लोग जाते हैं आते हैं उसका अगर कोई अनहोनी घट जाती है तो उसका जिम्मेवारी जो है कौन लेगा। भैया कितना इसमें भ्रष्टाचार हुआ वो बताइए। बहुत हुआ है भ्रष्टाचार। कितना हुआ है इसमें? मट्टी सही से भरा नहीं है, दबा नहीं रोल से। अच्छा, इसलिए कारण हो रहा। अभी पानी आया नहीं है, पानी आएगा तो पूरा बैठ जाएगा ये। क्या इतना भ्रष्टाचार काहे होता है? ठेकेदारी ने जानेगा क्या करेगा नहीं करेगा सो। पब्लिक है अपने जानते हैं। अच्छा किसका पैसा से पुल बना है वो पता है? ये तो सरकार का पैसा से बना है। सरकार अपना बाप घर से लाता है पैसा। देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये भोले भाले जनता है लखनपुर पंचायत के और देखिए इनका कहना है जो है सरकार देखिए पुल बनाता है। देखिए भाई आपका पैसा है ठीक है ना, आप जब मेहनत करते हैं ना आपके शरीर से जो पसीना निकलता है उस पसीना का जो है पैसा से आपका पुल निर्माण होता है। कोई सरकार जो है अपने घर से ला के ना ये बना दिया। आपको देखना है ये कितना इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है ये आप समझ जाइए। आपका पुल है आप इसका देख रेख कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए और कुछ लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहा भैया बताइए कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें? देखिए ये तो हम लोगों की कमजोरी है जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और हम लोगों की जो बरगलाल में रखे गए जो यहाँ के जो कॉन्ट्रेक्टर थे और यहाँ के जो उनके वर्कर हैं वो लोग से हम लोग जब भी पूछें भैया आप काम क्या हिसाब से करवा रहे हैं, ना सही ढंग से रोलर चलवाए हैं और आपके सामने जो आप खुद देख रहे हैं इनके अंदर जो भी हैं रोलर सही से नहीं चलवाए हैं और ना मशीन जो और भी होती है वाइब्रेशन मशीन वो भी सही से नहीं चला है। उसके वजह है कि मट्टी जो सतह देखिए नीचे बारिश का वजह से पानी अभी तक आया नहीं। अगर पानी आ जाता तो पुल भस के चला जाता, केवल बारिश का वजह से मट्टी धस गई है इतना। और हम चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए भगवानपुर प्रखंड है, बेगूसराय जिला है और बेगूसराय का देखिए भगवानपुर प्रखंड का ये लखनपुर पंचायत है और लखनपुर पंचायत का देखिए इंजीनियरवा जो होता है ना, देखिए इंजीनियर का आप रिलाई करेंगे तो आप लोग कहिएगा जो रिलाई होता है बताइए इंजीनियर कैसे एस्टिमेट बनाया, इंजीनियर कैसे एस्टिमेट बनाता है उद्घाटन से पूर्व जो है ना इसका देखिए किस तरह से अप्रोच पथ जो होता है देखिए ये भस रहा है। भैया आपका क्या कहना है बताइए? मेरा तो यही कहना है जो काम किया है वो ढंग से नहीं किया है। अच्छा। और ये जो पुल ये सब धस गया है बारिश की वजह से और ये टूट गया है, इसका ठीक किया जाए इसको, नहीं तो इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है आदमी का जान जाएगा। और मैं क्या कह सकता हूँ इसी को ठीक कराया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो यहाँ के वासियों को दिक्कत हो सकती है। अच्छा इसको तो कोई इंजीनियर बनाया होगा ये बताइए आप, कोई इंजीनियर ही ने बनाया होगा? हाँ इंजीनियर। इंजीनियर का क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक से नहीं किया है पुल, इसको मट्टी दबाव नहीं दिया ज्यादा दाब के इसीलिए यह ऐसा हो गया है। अच्छा चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। आपका भैया क्या कहना है इस पर भ्रष्टाचार कितना इसमें दबा के हुआ है वो बताइए। भ्रष्टाचार का इसमें जो नाम निशान है मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया है। इसमें इंजीनियर की बात किया जाए तो इंजीनियर जो होगा ना वो पढ़ा इंजीनियर रहता तो इस तरह की घटना नहीं होता, इस तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होता। वो घूसखोर होगा इंजीनियर, घूस खाकर वो इंजीनियरिंग किया होगा इसलिए वो घूस खाकर अगर पढ़ाई करके बना होता उसको पता होता कि इस तरह का हम बनाएंगे तो हमको 2 महीना 1 महीना 6 महीना के बाद पुल का घटना ये ऐसा हो जाएगा। अगर वो पढ़ा रहता तब तो ये घटना नहीं करवाता। घूसखोरी में किसी पैरवी पैगाम के द्वारा उसको जो है नौकरी मिल गया होगा, नौकरी मिलने के बाद वो अपना क्या बोलते हैं घुसखोरी लेना शुरू किया होगा, कंडक्टर से अपना दस्तखत करवाया होगा, मिठाई की जगह पर अपना मंगा लिया, रुपया का बख्शीश मंगा लिया होगा, बस अपना पुल का ये जो है
बिल पास कर दिया कि पुल लखनपुर पंचायत में पुल बन गया, पुल तैयार हो गया, पुल चालू हो गया, इसी तरह का होता है। चलिए आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए हम इंजीनियर को सलाह देना चाहते हैं। देखो भाई इंजीनियर जो है ना, देखिए अगर घुसखोर इंजीनियर है तो भाई अपना घर भी जो है ना तुम अपना घर बनाओ, और दो महीना में तुम्हारा घर जो है इस तरह से धराशाही हो जाएगा, तब जाकर तुमको पता चलेगा। और कुछ लोग हैं उसका सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए और कुछ लोग हैं उनसे सीधी बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो इसमें जो है कितना भ्रष्टाचार हुआ है। कहा भैया इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है बता दीजिए। इसमें भ्रष्टाचारी के विषय में हमसे पूछते हैं, इससे तो बढ़िया है ग्रामीण से पूछिए। आप भी तो ग्रामीण है ना? हम तो ग्रामीण हैं। अच्छा, और विपक्षों में आप हैं? आप विपक्ष में ठीक है, अभी हैं हम विपक्ष में, लेकिन या क्या कहते हैं जनता में भी दोष है। अच्छा। और प्रशासन तो भ्रष्टाचार की ओर है ही। जनता अपने से बना दिया, जनता जी नहीं, जनता अपने से नहीं बना दी है। क्या दोष है? जनता का दोष यही है, जब यहाँ ये पुल आपको चैनल से चूंकि आपको मालूम है कि पुल कैसे बनी और किनके द्वारा बना है पुल, किनका दिया हुआ है पुल, और इसमें भ्रष्टाचारियों बिचौलियों ने अपना नाम कमाने के लिए बोर्ड वगैरह रात में लगा दिए, जिसको आपके चैनल से नहीं, बहुत से चैनल के लोग आप जान रहे हैं मीडिया बंधु, जो यहाँ मैं कितना विरोध किया था और मैं अभी तक भी। अभी का आप बात बताइए ना, अभी जो है भ्रष्टाचार का भेंट आपका पुल जो है चढ़ गया, इसका जो अप्रोच पथ होता है वो जो है धराशाही हो रहा है, कभी भी अनहोनी हो सकता है, दम होगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? हम दोष दे रहे हैं इसमें जो इंजीनियर साहब, जो जई साहब हैं, वो अपनी लिपापोती, चाहे इस विभाग के आरियो के जो एसडीओ महोदय हैं, एसडीओ साहब इस विभाग का, उनसे भी हम शिकायत किए थे। शिकायत करने के बाद हमने कहा कि जब भी आइए हमसे थोड़ा मिल के जाइए, इस पर चिल्लाते रहे जो 200 से 300 टेलर मिट्टी और ज़रूरी है। लेकिन दुख है इस बात को, यहाँ तो भयंकर धांधली हुआ है, इसमें कतई कहीं दोषी नहीं है, यहाँ एकदम भयंकर धांधली हुआ, यहाँ लिपापोती करके थूक पर साट करके इस पुल को बना के चल गया है। और यह पुल ये तो बाढ़ नहीं आया है, बाढ़ आ जाने के बाद ये पुल और ये रोड थोड़ी मिलता, ये दुखद बात है। अच्छा, क्या लगता है आपको इसका जो कमीशन होता है, कमीशन कहाँ तक जाता है जो इस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है उद्घाटन से पूर्व, कमीशन कहाँ तक जाता है? कमीशन तो यहाँ से जो भी विभागीय आरईओ हुआ है, कमीशन जो है सो आरईओ ऑफिस खा रहा है अभी तक। एक इसमें उमेश प्रसाद हैं जो जई उन्हीं के देखरेख में था, उनको मैं हजारों बार कहते रहा मोबाइल से उनको ऑफिस में जा कर के, लेकिन एक बार भी नहीं हाँ हाँ हमको कुछ समझा करके। यहाँ जब सरिया गिरा रहा था 23 मीटर का, जब रात हो जाए तो जब सरिया फंस जाता था तो 12 फीट 14 फीट, यहाँ की हर ग्रामीण जान रहा है उसको, क्या कहते हैं कौन मशीन है ये वेल्डिंग मशीन से रोड को काट देता था। जब धरते थे, जो कि आपके चैनल से भी हम छोड़े हैं, धरने के बाद ग्रामीण में हम ये रोष व्यक्त करते हैं, ग्रामीण भी कहा करते थे जो ये अपनी कमीशन के लिए ही कुछ अपना जगह खोज रहे हैं। क्या कुछ कमीशन नहीं मिला आपको क्या? हमको तो खरीदने वाला कोई बेटे ने जन्म लिया इस धरती पर, कोई इस धरती पर खरीदने के लिए मेरा कोई बेटा जन्मे नहीं लिया। कमीशन नहीं मिला तो आवाज काहे ना उठाते हैं आप? आवाज किस पर उठावे, किसके लिए उठावे? आवाज जनता के लिए उठाते हैं, और जनता हमको चोर कर रहा है तो हम किसको कहें? हम तो हमेशा जब से अपनी पेंट की डोरी बांधना सीखे हैं, जब से मैं अपना होश संभाले हैं, तब से ही जनता के बीच अपना इस बुढ़ापन को ला दिए हैं, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरे डिक्शनरी में, मेरे कोश में भय नाम का चीज नहीं है। आप हैं तो आप हैं, जब हम आपसे कुछ ले लेंगे तो आपके आँख में आँख सटा के बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं वो बेटा हूँ, मैं उस कुल में जन्म लिया हूँ जो मैं प्रधानमंत्री को भी आँख में आँख डाल के बात करने वाला हूँ,
ये सब क्या रहेगा। चलिए, ये भगवानपुर प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि हैं और ये जो है कह रहे हैं जो हम प्रधानमंत्री से नज़र मिलाकर जो है बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो भैया आपके पंचायत में खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपके जो है नाक के नीचे, आपके पंचायत में आपके नाक के नीचे इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और आप जो है कुंभकर्ण के निंद्रा में सोए हुए थे, तो आप पर भी सांसद प्रतिनिधि जी हैं उन पर भी सवाल खड़ा होता है जो आपके नाक के नीचे इस तरह से, देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आज तक इसका सुधी लेने वाला देखिए कोई नहीं है। देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे लगता है ये अप्रोच पथ जो होता है, अप्रोच पथ नहीं, यहाँ पर लगता है सुरंग बना दिया गया है। देखिए कभी भी जो है यहाँ पर अनहोनी हो सकती है। देखिए सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, देखिए अप्रोच पथ जो है, बस दो चार घंटा बारिश हुआ भैया, बात को आप समझिए, दो चार घंटा बारिश क्या हुआ, देखिए यहां पर जैसे लगता है क्या जो सुरंग बन गया भैया, वो दिखाइए तस्वीर, सीधी तस्वीर है आपको दिखाना चाहिए। देखिए आप ही तय कीजिए, ये देखिए पुल है कि भैया सुरंग है, वो बताइए। देखिए कितना भ्रष्टाचार जो है रगड़ के जो है इस पुल में किया गया है। Gracias.